उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के सचिव और रजिस्ट्रार व अन्य अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मेरे साथी कर्मचारीगण, देवियों और सज्जन, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस बहाने हम सबको एक मौका मिला कि हम सब मैं आपसे और आप मुझसे अलविदा कह सकें। ₹17 फरवरी 2015 को प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नायक जी ने मुझको इस पद का पद की शपथ ग्रहण कराई थी और पलक झपकते ही ये 5 वर्ष यूं ही निकल गए। पिछले 5 वर्षों पे जब मैं निगाह डालता हूं तो मुझे याद सबसे पहले याद आता है जो मैंने पहली रिव्यू मीटिंग ली थी और उसमें ये पाया था कि प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन, उसमें अनेकों कमियां, बहुत बड़े क्रिटिकल गैप्स, साथ ही आयोग के संचालन में भी सुधार के बहुत से अवसर हैं, बहुत कमियां हैं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के बारे में बहुत कुछ बोला है और ये सबसे बड़ी कमी मुझे महसूस हुई थी कि इस कानून को अगर प्रदेश में भली भांति कार्यान्वित करना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि इस कानून को लागू करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नियमावली, अन्यथा 10 वर्षों से प्रदेश में एक एडहॉक तरीके से आरटीआई एक्ट लागू था जिसमें लागू करने वालों को, एप्लीकेशन डालने वालों को, अपील सुनने वालों को ये नहीं पता था कि इसको काम को करना किस तरह से। ये कमी मुझे सबसे बड़ी कमी लगी थी और सबसे अधिक तत्कालिक प्रयास इस दिशा में किया गया। साथ ही यह भी महसूस हुआ था कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 20,000 जन सूचना अधिकारीगण, जो कि आरटीआई की जो चेन है उसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, उन 20,000 जन सूचना अधिकारीगण को भी कोई जानकारी नहीं थी कानून के बारे में, ना ही उनको पता था कि उन्हें अपना काम किस प्रकार से करना है। इसके अलावा एक नई नियमावली बन रही थी तो यह आवश्यकता और भी अधिक प्रबल थी कि उन जन सूचना अधिकारीगण को इस नई नियमावली के प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए, तभी ये काम सिस्टमेटिक तरीके से प्रदेश में हो सकता है। तो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो उस समय शुरुआत में ही लिया गया था वो ये था कि एक बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में संचालित किया जाए जिसमें सारे लगभग 20,000 जन सूचना अधिकारियों को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए और वो हाईएस्ट लेवल से दी जाए, मतलब उसमें आयोग का पूरा योगदान रहे, आयोग पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। तो ये दूसरा डिसीजन जो था वो लिया गया। साथ ही ये भी महसूस किया गया था कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दूसरा लाभ आयोग के राज्य सूचना आयुक्तगण और जन सूचना अधिकारियों के बीच में डायलॉग, अल्टीमेटली वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस पूरी प्रक्रिया। तो आयोग के सूचना आयुक्त और देश में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे जन सूचना अधिकारियों के बीच में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एक डायलॉग स्थापित हो,
उनकी समस्याएं हम सुन सकें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वो जान सकें, वो बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक कोलैटरल बेनिफिट, लोग कोलैटरल डैमेज की बात करते हैं, ये कोलैटरल बेनिफिट के आयोग की पहचान प्रदेश में जो प्रशासनिक तंत्र था उसको आयोग की पहचान भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि जब ज़िले ज़िले में जा करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया और हर ज़िले में जा करके राज्य सूचना आयुक्त ने इस